सोमवार को रास्ते के विवाद को लेकर सोमवार को बड़हलगंज थाना क्षेत्र के बदौली खुद्र में युवक की हत्या के विरोध में मंगलवार को परिजनों ने गोरखपुर बनारस हाईवे स्थित सौ खोर के पास रास्ता जाम कर दिया, जिससे घंटों आवागमन बाधित रहा। इस दौरान पुलिस और ग्रामीण में हुई नोक झोंक भी हुई। पुलिस के आश्वासन के बाद लगभग डेढ़ घंटे बाद आवागमन पुनः सुचारू रूप से चालू हो सका। गौरतलब है कि सोमवार को रास्ते के विवाद को लेकर बदौली खुद्र निवासी नंदलाल के पुत्र शशिकांत को गाँव के कुछ लोगों से झड़प हो गई। इसी दौरान मारपीट में शशिकांत की चाकू मारकर हत्या कर दी, जिसको लेकर आक्रोशित परिजनों ने गाँव वालों के साथ बड़हलगंज हाईवे जाम कर दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, जी बड़हलगंज में एक जो गांव है उसमें बताते हैं शाम को आंधी के बाद आम बीनने को लेकर के शुरुआती झगड़ा हुआ और उसमें एक व्यक्ति को चाकू लगा, जिसकी रास्ते में जाते समय मौत हो गई। और दोनों पक्ष आपस में पड़ोसी हैं और अभी वहाँ स्थिति शांतिपूर्ण है और पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जो मुख्य अभियुक्त है उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है।